मुफ्ती साहब ये बताइए, ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि ये मसाइल क्यों इतने ज्यादा पाकिस्तान के बढ़ते जा रहे हैं, जबकि वसाइल मौजूद हैं, मसाइल जान नहीं छोड़ते, ये क्या चक्कर है? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल है। असल में कोई भी मुल्क जो उसकी रीढ़ की हड्डी वसाइल होते हैं, कुदरती वसाइल हों या आर्टिफिशियल वसाइल हों, दो तरह के वसाइल, ये रीढ़ की हड्डी होती है। और पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, उसके बावजूद मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह यह कि वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जब वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप देखें कि हर भूखे को रोटी मिलेगी और हर प्यासे तक पानी का घूंट पहुंचेगा और हर नंगे के तन पर कपड़ा होगा। जैसे पूरी दुनिया के अंदर है, लोगों के पास वसाइल हैं। इवन बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जिनके पास वो वसाइल नहीं होते तो वो आर्टिफिशियली दूसरे ममालिक से उन वसाइल को खरीदते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो हर तरह के खुद वसाइल और हर तरह का मौसम, ऐसा मुल्क आपको दुनिया में कम ही मिलेंगे जिनमें हर तरह के मौसम है। नहीं तो दूसरी दुनिया के मुल्कों में आप देखें, वहां गर्मी ही गर्मी है, बाद में सर्दी ही सर्दी है, यानी कोई बैलेंस नहीं है मौसम में। लेकिन हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसमें मौसम भी हर तरह के मिलेंगे, औकात का नक्शा हर तरह के मिलेगा और वसाइल हर तरह के मिलेंगे। असल यहां से मिस्टेक यहां से हो रही है कि असल में हमारे मुल्क पाकिस्तान को सूबों की जरूरत है। असल में ये लाइन ऑर्डर का मसला पेश आ रहा है और वसाइल की तकसीम का जो मसला पेश आ रहा है कि भूखे मर रहे हैं लोग और जान से जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि असल में हमने एक चार सूबों के ऊपर इतना बड़ा मुल्क चला रखा है और बड़े बड़े सूबे काबू से बाहर हैं। अमरीका जैसे मुल्क में आप देख लें, अमरीका जैसे मुल्क में मेरा 55 या 50 जो है इसके सूबे, 52 इसके सूबे, और इंडिया के अंदर देख लें कि इंडिया के कितने सूबे हैं। और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को सबसे पहले सूबों में तकसीम होना चाहिए और सूबों में तकसीम किसी लिसानियत की बुनियाद पर ना हो, किसी जमाने जाहिलियत के सफर पर ना हो, बल्कि जैसे यहां अमेरिका ने कर रखा है। अब देखिए आईटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो कैलिफोर्निया को उसके लिए स्पेशलिटी दे दी कि आईटी के लोग कैलिफोर्निया की तरफ दौड़ते हैं। किसी और पेंसिल्वेनिया पे चले तो फार्मिंग को स्पेशलिटी दे दी, वहां फार्म जो है वो बनाए जाते हैं, खेत तो कुदरती। इसी तरीके से वहां सूबे बनाए जाए और हर सूबे को एक स्पेशलिटी दे दी जाए जिसकी बुनियाद पर उसको उस तरह के वसाइल और सपोर्ट की जाए और वो चीजें वहां से मुहैया हो। नतीजा क्या होगा कि मुल्क के छोटे छोटे सूबे होंगे और वहां लॉ एनफोर्समेंट का मसला भी नहीं होगा और वहां जो है वह हर एक घर के अंदर रोटी पहुंचेगी और वहां की जो भी मैनेजमेंट होगी वो उसको पूरी जिम्मेदारी के संभाल सकेगी। ये बड़ा खूबसूरत आपने एक सजेशन दिया मुफ्ती साहब।